DTM, गुड मॉर्निंग. लगता है आगरा वालों को गुड मॉर्निंग इस समय में गुड मॉर्निंग शायद रास नहीं आ रहा है. पर एक बात बता दूं, जिंदगी का एक बहुत ही क्लियर फंडा होता है, जिंदगी का एक शास्त्र क्लियर बोलता है कि जब मिले जब ही सवेरा होता है. हम अगर DTM वाले रात को 12 बजे भी मिलते हैं या 1 बजे भी मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हमारी लाइफ के अंदर कभी गुड नाइट नहीं होती. दोस्तों, गुड मॉर्निंग एक ऐसा शब्द है, हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, काम करने के लिए प्रेरित करता है. तो इसलिए हम DTM वाले हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हैं. गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, गुड DTM, गुड मॉर्निंग. तो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखेंगे. वैसे तो आपने सभी सीनियर्स को बखूबी सुना, कंपनी के बारे में भी जानकारी ली होगी, पर मैं आपकी जानकारी छोटी सी दे दूं. 2003 के अंदर ये कंपनी स्टार्ट हुई थी. मैं भी इनकम टैक्स सेल टैक्स की प्रैक्टिस करता था. लगभग 12 लाख रुपए महीना मेरी इनकम थी. इनकम की कमी नहीं थी, इनकम बहुत थी, पर कुछ लोग मेरे पास कंपनी बनवाने आए और हर बार फेल हो जाते थे. तो मैंने भी सोचा कि ये फेल क्यों होते हैं, एक रिसर्च R&D करके देख ली जाए. तो मैंने भी R&D की और उसके अंदर बहुत कुछ मिला कि काफी लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे लोगों का पैसा अपने पर्सनल यूज में खर्च कर लेते हैं और उनको देने के पास के लिए कुछ नहीं होता, या उनकी जिज्ञासा अंदर से पैसा कमाने की इतनी बढ़ जाती है कि वो पैसे को एक साइड रख लेते हैं और आपका पे आउट नहीं देते हैं. उसी संदर्भ में ये कंपनी बनी. कंपनी बनने के बाद 2003 का वो समय आज भी मुझे याद है. पूरे हिंदुस्तान में MLM कंपनियों का जो एकदम बढ़ चढ़कर कंपनियां आगे पीछे भाग रही थी, सारी बंद हो चुकी थी क्योंकि कंपनी की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ चुकी थी कि कंपनियों को बंद करना पड़ा या वे चल नहीं पाई. परंतु 2003 का वो समय, कंपनी ने जब से लेके आज तक 16 साल का वो समय हो गया है, कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था. क्योंकि कंपनी ने एक ही सोच है, आज भी है, कल भी रहेगी और पहले भी थी, कि आपका पे आउट टाइम पर मिलना चाहिए, आपकी कमीशन समय पर मिलनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो. कंपनी पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना डंका बजा चुकी है. सिंगल चेक 1,51,00,000 के 2 चेक दे चुकी है, 75,00,000 के लगभग 15 चेक दे चुकी है. दोस्तों, तो कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुकी है. हर 15 दिन के अंदर पे आउट आपके अकाउंट में आ जाता है. लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए हर 15 दिन के अंदर कमीशन बांटी जाती है. परंतु फिर भी कंपनी को कोई अफसोस नहीं है क्योंकि सब व्यवस्था ऑनलाइन है, आपके अकाउंट में आता है पैसा. तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने अभी पॉलिसी बनाई, इससे पहले पॉलिसी नहीं थी. मोदी सरकार ने आने के बाद पॉलिसी बनाई और पॉलिसी बनाने के बाद हम भी बहुत खुश हुए कि चलो MLM के लिए कोई गाइडलाइन तो तैयार हुई. और गाइडलाइन से इतनी अच्छी थी कि 100 अगर रूल बनाए तो 90 रूल हम पहले ही फॉलो करते थे. हमें दिक्कत नहीं थी कहीं भी, क्योंकि रूल नहीं होंगे सिस्टम नहीं बन पाएगा और सिस्टम नहीं होगा तो आप अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे. तो हमारी सोच थी कि पहले गवर्नमेंट रूल बनाए, सिस्टम तो हम बना चुके हैं और सिस्टम से अचीवमेंट भी ले रहे हैं, परंतु हम सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि वो अचीवमेंट अधूरी थी बिना रूल के, बिना नियम के. सरकार ने नियम बनाए, बहुत अच्छी बात लगी. उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंपनियों के चालू हुए. तो जो आपकी डॉल्फिन ट्रेवल मार्केटिंग कंपनी है, इंडिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है. आप पासवान जी के मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय में किस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी कंपनी का नाम देख सकते हैं. तो दोस्तों, हमें दिक्कत नहीं आई, रूल बने बहुत अच्छा लगा. उस रूल के अंदर कुछ चेंजिंग आई, पर उसके बाद जरूरत पड़ी एक चीज की. रूल तो बन गए,
पर अकेले अकेले एकला चलो की नीति अगर रही, एक घर के अंदर तीन भाई चार भाई रहते हैं, चारों अलग अलग अगर हैं, तो समाज के लोग क्या जीने देते हैं? एक एक करके सबके टुकड़े अलग अलग करके और अपना फायदा निकाल लेते हैं, कमजोर हो जाते हैं हम। और अगर चारों भाई बंद मुट्ठी के अंदर एक साथ रहें तो क्या होता है? पड़ोसी भी सोचता है इसको नहीं छेड़ना, चारों कट्ठे हैं, इनके बच्चे भी हैं। और मैं एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूं, बंद बुहारी झाड़ू जो सीख वाली होती है, एक सीख से क्या, एक तिल्ली से क्या हम झाड़ू दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। और उसको कट्ठे कर लिए जाएं तो झाड़ू क्या पड़ोसी को भी कर लेते हैं ना। तो दोस्तों इसी तरह हमने भी एक प्रयास किया और वो प्रयास सफल हुआ कि बंद झाड़ू यानी कि हमारे सारे सीनियर्स एक सूत्र में प्रोकर एक लयबंद तरीके से एक माला बनाकर हमने ये कार्य शुरू किया। और शुरू करने के बाद प्रोडक्ट लाए, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है कि प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, पर प्रोडक्ट बेचने तो पड़ेंगे पर कौन से ये सरकार ने निर्धारित नहीं किया। ये निर्धारित किया टीटीएम की मैनेजमेंट ने कि हम प्रोडक्ट भी लाएं तो ऐसे लाएं कि आपके स्वास्थ्य को और स्वस्थ बना दे, आपकी हेल्थ को और हेल्थी बना दे। प्रोडक्ट ऐसे लाएं हमें डॉक्टरों की फीस नहीं देनी पड़े, क्योंकि महीने के अंदर काफी रुपया तो डॉक्टरों पे चला जाता है। वो पैसा बचेगा तो आप हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो कमाई तो अपने आप हो जाएगी, कमाई की दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे पिताजी एक ही बात कहते थे अक्सर, बड़े भी कहते थे, खर्च करना सीख लो कमाई अपने आप सीख लोगे। क्योंकि खर्च करोगे तो कमाई करना जान जाओगे, कब तक खर्च करोगे? एक दिन तो भंडारा भी खत्म हो जाएगा, जो भंडार खत्म हो गए तो सोचना पड़ेगा कि कमाई कहां से करें, और उसी दिन आपका की शुरुआत जिंदगी की हो जाएगी जिस दिन आपने सोच लिया कमाई करनी है। और कमाई भी ऐसी नेक नियत से, बेईमानी की कमाई पास की पूंजी भी लेकर उड़ जाती है, कभी नहीं करना। और दोस्तों रही ग्रोथ की बात, अचीवमेंट की बात, कमी नहीं है, छोटे छोटे फार्मूले बहुत हैं हम लोगों के पास। आपकी अचीवमेंट इतनी हो जाएगी आप जिंदगी के अंदर कभी सपने में भी नहीं सोच पाओगे। कंपनी अचीवमेंट की तरफ बढ़ चुकी है, कंपनी अचीवमेंट की तरफ बढ़ चुकी है। प्रोडक्ट की बात करूं, अकाई बेरी हमारे फर्स्ट लेवल का कैंसर जो शुरुआत होती है उसको भी ठीक करता है। हमारी पंच तुलसी जो गले में इंफेक्शन, पेट में इंफेक्शन हो जाता है उसको भी ठीक करता है। और मैं बात करूं अपने क्लियर ब्लॉकेज की, जिन लोगों को आज के दिन हर घर के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम है ना, हाँ तो करो, हाँ या ना कुछ तो करो, है मेरा वायदा है, स्टाम्प पेपर पे ब्लैंक स्टैंप लगा के देके जा सकता हूं। इस कंपनी का क्लियर ब्लॉकेज जिसको स्टंट डालने की डॉक्टर ने बोल दिया है, 4 महीने केवल 1-1 लीटर पी लेना, स्टंट नहीं डलेंगे मेरा वायदा है। और हर महीने 0.5 लीटर पीते रहना, जिंदगी के अंदर कभी भी ब्लॉकेज नहीं होगी, नस आपको स्टंट डलने की नौबत नहीं आएगी। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लाए जा रहे हैं। और प्रोडक्ट की बात करूं, हमारा पेन ऑयल घुटने पे लगाते ही बिल्कुल साफ, पेन खत्म घुटने का। जिन लोगों को घुटने की प्रॉब्लम है, घुटने बदलने की नौबत आ गई है, वो हमारे अकाई बेरी और भी कई प्रोडक्ट हैं वो पीते रहें, घुटना नहीं बदलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट तो लाया जा रहा है। और भाइयों के लिए तो बहुत प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक बहनों के लिए है लिपस्टिक, कॉस्मेटिक के अंदर हमारा टेलकम पाउडर, क्रीम, बहुत प्रोडक्ट हैं। और अभी एक नया प्रोडक्ट भाइयों के लिए शेविंग जेल लाए हैं। आप शेविंग क्रीम लगाना भूल जाएंगे, आप फोग आता है ना वो लगाना भूल जाएंगे, जेल लें थोड़ा सा,
और मुंह पे लगा लें। अगर एक महीने पुराना ब्लेड भी आपके घर रखा है उससे शेविंग कर लेना, बिल्कुल क्लियर शेव बनेगी। पिछले एक हफ्ते से मैं उसको यूज कर रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते से, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मैं यूज कर सकता हूँ देखता हूँ, अपने ऊपर पहले यूज करता हूँ बाद में आप तक लाता हूँ। एक हफ्ते से मैं यूज कर रहा हूँ, आज भी उसी शेविंग जेल से क्रीम शेव बना के आया। प्रोडक्ट नए 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 आ रहे हैं, आज हिंदुस्तान की 19 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आने वाले समय के अंदर और भी बहुत कुछ मिलेगा, परंतु धीरे धीरे अभी हम कॉस्मेटिक आयुर्वेदा प्रोडक्ट की तरफ आए हैं। और आपकी जानकारी बता दूं, इस कंपनी की असेट्स के बारे में बता दूं, सिस्टर कंसर्न जितनी भी हैं, मनाली शिमला के अंदर आपका होटल है, पानीपत सोनीपत के अंदर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बीएड कॉलेज हैं, और अभी अभी आपके इस कंपनी ने आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज भी परचेज किया है। बढ़ रहे हैं ग्रोथ की तरफ। अगर कोई भाई अपने बच्चों का या अपने पड़ोसी का कोई भी एडमिशन कराना चाहे इंजीनियरिंग में बीटेक के अंदर, मात्र 11,000 रुपये साल देकर, इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपको पता है कितनी महंगी है, मात्र 11,000 रुपये यूनिवर्सिटी का खर्चा देकर, कॉलेज को एक रुपया नहीं चाहिए, हॉस्टल के अंदर अपना आप खर्चा कर ले, वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। ऐसी ऐसी चीजें लाई जा रही हैं। प्लान के बारे में आपको बताया होगा, हिंदुस्तान का कोई भी प्लान ऐसा नहीं है जो घूम कर आने के बाद आपको पैसा देता हो, परंतु इस कंपनी ने जो प्रोडक्ट देते हैं उसके साथ में आपको एक ट्रेवल वाउचर दिया है, जिसके अंदर दो बड़े दो बच्चे घूम कर आ सकते हैं 2 नाइट 3 डेज, और वापसी आने के बाद जब आप फीडबैक देंगे कंप्यूटर पे, तो आपको 1,000 रुपये कन्वेंस का और 1,000 रुपये खाने का आपको फीडबैक के रूप में आपके अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि किट कितने की पड़ी, 2,000 रुपये कम, लगभग 3,800 रुपये की पड़ी ना। तो दोस्तों एक छोटी सी कहावत है, एक छोटा सा पैमाना है या छोटी सी कहानी है, वो सुनाने के बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक जहाज, समुद्र के जहाज के अंदर एक छोटा जहाज चला जा रहा था, बहुत यात्री थे, एकदम तूफान आया और जहाज डगमगाने लगा। कोई अल्लाह का नाम ले रहा है, कोई भगवान जीजस का नाम ले रहा है, कोई शिव शंकर भगवान का नाम ले रहा है, सब अपने अपने भगवान के नाम लेने लगे, कोई वाहेगुरु का नाम ले रहा है। और उसमें एक छोटी सी बच्ची मोबाइल में अपना गेम खेल रही थी कोने में बैठे हुए, उसको कोई परवाह नहीं थी। आधे घंटे के बाद जहाज अपनी सामान्य स्थिति में आया, तो सारे जो लोग भगवान का नाम ले रहे थे, अपने अपने भगवान का नाम लेकर गुरुओं का नाम ले रहे थे, भाग के उस बच्ची के पास गए कि बेटे इतना बड़ा तूफान आया, इतनी बड़ी दिक्कत आई, हम लोगों की बड़े होने के बाद भी जान निकल गई, तुम्हें डर नहीं लगा? तो उस बच्ची का एक ही जवाब था और बहुत काबिले तारीफ था कि अंकल, जिस जहाज को मेरे पापा चला रहे हो वो कभी डूबने नहीं देंगे, क्योंकि पता है कि मेरी बच्ची उस जहाज के अंदर बैठी है, तो मुझे अपने पापा के ऊपर पूरा घमंड है, पूरा भरोसा है, वो जहाज को डूबने नहीं देंगे। तो दोस्तों पायलट उस समय हमारा गॉडफादर बनकर बैठता है, वो नहीं चाहता कि जहाज डूबे। और उसी तरह सीनियर भी, जो सीनियर आपके सामने मंच पर आए हैं, ये भी नहीं चाहते कि उनकी टीम कमाई ना करे, लेबल ना ले, अचीवमेंट ना ले। टीम का एक एक मेंबर, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर इतनी बड़ी अचीवमेंट ले, सीनियर के दिल में चाहत होती है कि मैंने 10वां लेवल लिया है तो मेरा टीम का लीडर 11वां लेवल ले, जभी तो उसकी वाहवाही है, जभी तो वाहवाही है। क्योंकि जनरल काम, रूटीन काम तो हर कोई करता है, असली नाविक वो होता है जो तूफान की लहरों के विपरीत अपनी नाव को चलाता है।
तो लीडर भी चाहते हैं दिल से, और हमारी कंपनी में तो प्रूफ है, सीनियर ने 12वां लेवल नहीं लिया और नीचे जितने रॉयल्टी अचीवर हैं सारे के सारे रॉयल्टी अचीवर बन गए। अगर सीनियर की बात करूं, अरुण कुमार 1383 नंबर आईडी, आज तो 55 लाख है, उन्हें 12वां लेवल ही लिया है और सारे के सारे नीचे, कोई 12वां, कोई 14वां, कोई 16वां लेवल लेके बैठ गए, सारे रॉयल्टी अचीवर उसी के नीचे है। तो प्रूफ, अब एक घमंड होता है, मेरे को कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरी टीम के अंदर ऐसे ऐसे कद्दावर लीडर हैं जो अपनी टीम को संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपने आप को सीनियर के समर्पित कर दें, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी आप यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं सारे के सारे यहाँ पर रॉयल्टी अचीवर बने। पर रॉयल्टी अचीवर कैसे बनेंगे? एक एक कदम को बढ़ाते हुए रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। खाली ऊपर रॉयल्टी देखते रहोगे, नीचे काम नहीं करोगे तो रॉयल्टी अचीवर नहीं बनोगे। एक एक लेवल, चौथा है तो पांचवा हो जाए टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंदर, पांचवा हो गया तो छठा हो जाए, छठा हो गया तो सातवां हो जाए, क्योंकि जब सीढ़ी पर, पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं उस समय हम ऊपर नहीं देखते, नीचे देख कर एक एक सीढ़ी पर कदम चढ़ाते हैं। आज वही काम आपको करना है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें टेंशन नहीं है, आज के दिन जो कुछ है हमें तो पाना है, खोने का समय चला गया है। आज का दिन वो क्लिक करने का दिन है, आप यहाँ बैठे हैं, अपने किसी भी, जिस भी सीनियर के थ्रू या किसी के बुलावे पर यहाँ पर आए हैं, तुरंत कंपनी को, DTM कंपनी को ज्वाइन करें और अपनी तरक्की के द्वार खोल लें, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अपनी बात को विराम दूंगा, एक 2003 से एक शेर गाता हूँ, अक्सर वही गाता हूँ, दूसरा मैं गाता नहीं हूँ क्योंकि शेरो शायरी मुझे आती नहीं है। मत कर इतने यकीन, मत कर इतने यकीन हाथों की चंद लकीरों का, मत कर इतने यकीन हाथों की चंद लकीरों का, अरे किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। गुड DTM, एंजॉय DTM और प्रमोट DTM। थैंक यू।